अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमने एक इनक्यूबेटर ऑर्डर किया था अपने मुर्गी के बच्चों के लिए कि उनके बच्चे हम हैच करवाएं और वो हमें रिसीव हो गया है। चलें आपको बताते हैं। देखें, ये अभी जाके मैंने रिसीव किया है लाहौर अड्डे से, और इन्होंने नाम मेरा गलत लिख दिया था, लेकिन चलें कोई नहीं, मुझे रिसीव हो गया। और ये देखें इनक्यूबेटर है, ये 30 eggs वाला। आप लोगों ने भी मंगवाना हो तो इन भाई से रابطہ करें। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है मैंने इनक्यूबेटर ऑर्डर किया है, मैंने इससे पहले कभी हैचिंग नहीं करवाई। तो ये 30 eggs वाले हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम ऑन करके बताते हैं, एक मिनट। तो जनाब ये ऑन हो गया, और आपको यहाँ पे जो है साथ साथ पता भी लगता रहेगा कि क्या टेम्परेचर है सब कुछ। और ये है जनाब 30 eggs वाला, ये इसका ट्री है, इसमें हम एग्स रखेंगे। और इसको हम फिर इस तरह बंद करके यहाँ से इसका कुंडा इस तरह कर देंगे। तो ये हमारा इनक्यूबेटर आ गया। तो साथ साथ आपको इसके बारे में बताता जाऊँगा कि ये कितने इसमें से हैच हो गए हैं। और मैंने इसके साथ साथ जो है ये बेंटम के एग्स भी मंगवाए थे 8, इसे भी खोलते हैं और आपको बताते हैं। इन्होंने सही पैकिंग करके भिजवाए हुए हैं। 3 अंडे ये ऊपर रखे थे, ये वाइट बेंटम के हैं, एक वाइट बेंटम, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है। तो और निकालते हैं और आपको बताते हैं कि और कौन से हैं। अच्छा, ये तो सारे के सारे वाइट बेंटम के हैं, और मैंने इन्हें कहा था कि आप मिक्स भिजवाना, लेकिन इन्होंने सारे वाइट के भिजवा दिए। मैंने इसके साथ 8 बेंटम के अंडे मंगवाए थे जो कि मुझे रिसीव हो गए हैं इस इनक्यूबेटर के साथ। तो ये जब हम इसमें रखेंगे अपने पास जो अंडे पड़े हैं, तो फिर मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि कितने हमने अंडे रखे हैं और कौन कौन से रखे हैं। तो ये एक और आ गया, सिल्की के अंडे मंगवाए थे, वो भी आ गए हैं खैर से। तो ये मैं निकाल के आप लोगों को बताता हूँ सारी डिटेल कि टोटल हम कितने अंडे आज इनक्यूबेटर में रखेंगे और कौन कौन से अंडे हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स देखें, ये आए हैं हमारे सिल्की के अंडे। आज टोटल 15 मंगवाए थे, लेकिन जिसमें से मैंने 8 रख लिए, क्योंकि इनक्यूबेटर 30 अंडों वाले हैं। तो ये हो गए सिल्की के अंडे, ये हैं बेंटम के अंडे, और ये हैं जनाब हमारे असील के अंडे। इसमें मुश्का के भी हैं, सलेटी के भी हैं, और एक अमरोहा की मादी है, मतलब ये मिक्स अंडे हैं। तो ये हमारे असील के अंडे हो गए, ये जो है सिल्की के हो गए, और ये हमारे वाइट बेंटम के हो गए। तो ये हम रखते हैं इनक्यूबेटर में और आपको साथ साथ बताते हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे अंडों के ट्रे में रख दिया सबको, और चले आए कि मैं आपको ये सारे इनक्यूबेटर में रख के दिखाऊं। डालते हैं जनाब बेंटम के अंडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम कर देते हैं बंद। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तो आप सबको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले व्लॉग में।